नमस्ते, सलाम। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप सबकी हेल्प से मेरे चैनल के ऊपर 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मैंने देखा है आप में से काफ़ी लोग मेरी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पे कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब पे जिन्होंने अपनी प्लेलिस्ट में डाली हुई है, तो उन सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको पिछली क्लास में प्रीपोजिशन दो पोजिशन में सिखाए थे। आइए देखें एक बार क्या चीज़ है वो सब। मैंने आपको कुछ वर्ड सिखाए थे जो किसी के पोजीशन के बारे में बताते हैं, कोई चीज़ आगे है, पीछे है, इधर है, उधर है। तो सबसे पहले वर्ड था डेवां। डेवां मतलब आगे होना, किसी चीज़ के आगे खड़े होना। डेरियर मतलब पीछे। आ कोते दे किसी चीज़ के पास। सू किसी चीज़ के नीचे। दों किसी चीज़ के अंदर। सुर किसी चीज़ के ऊपर। और एंट्र किसी चीज़ के अंदर। दों और एंट्र में फर्क ये है कि एंट्र दो चीजों के बीच में होता है, सेंटर में कहा जाता है। दों किसी चीज के अंदर है, एंट्र किसी दो चीज के बीच में कोई चीज होती है उसको कहते हैं एंट्र। मैंने आपको कुछ तस्वीरें भी पिछले हफ्ते दिखाई थी, पिछली क्लास में दिखाई थी सॉरी, और मैंने आपको कहा था कि आप उस चीज को समझ के और उसके ऊपर सेंटेंस बनाए। तो ये थी वो सबसे पहली तस्वीर जिसमें था कि किताबें टेबल के ऊपर पड़ी हैं। आपको किताबों का वर्ड भी पता है फ्रेंच में, टेबल का भी पता है, तो मुझे ये जवाब आया। Les quatre livres sont mis sur la table. जो चार किताबें हैं वो टेबल के ऊपर पड़ी हैं। Sont mis, mis verb mettre होता है, टेबल के ऊपर पड़ी हैं, ये सेंटेंस सही है। उसके बाद आया था Les livres sont sur la table. किताबें टेबल के ऊपर हैं, ये सेंटेंस भी सही है। Les livres sont sur la table सेंटेंस सही है, बस यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, लीवर की स्पेलिंग उन्होंने गलत लिख दी है जिस व्यूअर ने ये लिखा। उसके बाद है Les livres sur la table किताबें टेबल। अब जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं किताबें टेबल पर पड़ी हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते किताबें टेबल, तो इसमें टेबल पर पड़ी हैं जो पर है ये मिसिंग है, तो ये Les livres कोई वर्ब यहाँ पे मिसिंग है। तो इसका जवाब सही है Les livres किताबें sont हैं, sur la table किताबें हैं टेबल के ऊपर, किताबें टेबल के ऊपर पड़ी हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर थी, ये जो लेडी है वो दरवाजे के बाहर खड़ी है, दरवाजा खोलने लगी है, मतलब दरवाजे के सामने खड़ी है लेडी। तो एक व्यूअर ने लिखा है Une dame attend devant la porte. एक दाम मतलब एक लेडी attend वेट कर रही है devant la porte. सेंटेंस आपका गलत नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको पिछली बार कोसीन दिया था, मतलब जो मैंने आपको कहा था वो ये था कि वो इंतजार नहीं कर रही, वो खड़ी है। तो attendre का मतलब होता है इंतजार करना, तो मेरा था, मैं ये नहीं कह रही थी पिछली बार कि एक लेडी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही है, मेरा था कि एक लेडी दरवाजे के सामने खड़ी है। सेंटेंस आपका गलत नहीं है, लेकिन जो मैंने बोला था उसमें थोड़ा फिट नहीं होता। उसके बाद लैफी, लैफी द गर्ल, द लड़की, ए डेरियर ला पोर्ट दरवाजे के पीछे है। अगर दरवाजे के पीछे होती तो हमें दिखाई ना देती, तो ये भी यहाँ पे चलेगा नहीं। उसके बाद एल ए डेवांट वो सामने है, यहाँ पे गलती है आ ला पोर्ट लिखा है इन्होंने, ला पोर्ट है, आ नहीं लगेगा। आ कोते दे मैंने आपको वर्ड बताया था उसके साथ आ लगेगा, लेकिन आ ला पोर्ट कभी नहीं लगता। एक और जवाब है लफी, और इन्होंने इस व्यूअर ने लिखा है फम ए दो वाला पॉप, लफी ओ ला फम ए दो वाला पॉप, सेंटेंस बिल्कुल सही है, दोनों तरीके से चलेगा। एक और जवाब है ला फम ए डेवांट दे ला पोर्ट, मैंने आपको बताया था ला पोर्ट के आगे ना आ लगेगा ना दे लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। डेवांट जो हमारा प्रीपोजिशन दे पोजिशनमेंट है, और सीधा ला पोर्ट आ जाएगा, तो ये दे इसमें नहीं लिखना। तो सही जवाब है Elle est devant la porte, वो दरवाजे के आगे है, या la femme est devant la porte, la fille est devant la porte, ये सब सही है। उसके बाद तीसरी तस्वीर, ये आप एक बंदा देख रहे हैं वो जो बेड के पास खड़ा है, इसमें मुझे जवाब आए हैं le monsieur, monsieur debout à côté du lit, वही मिस्टेक हो गई जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं le monsieur, बंदा खड़ा बेड के पास, ये सेंटेंस नहीं है, बंदा बेड के पास खड़ा है तो ये बनता है, तो इसमें वही मिसिंग है वर्ब। तो जैसे आप सेंटेंस की करेक्शन देखेंगे आप समझ जाएंगे यहाँ पे कौन सा वर्ब मिसिंग है। उसके बाद l'homme est à côté de
ली, लम बंदा, ए आ कोते, आ के ऊपर अक्षम मिसिंग है, कोते के ऊपर यहाँ पे एक अक्षम ओ के ऊपर आता है और एक ई के ऊपर आता है, ये भी मिसिंग है। दुली, ये दुली नहीं आएगा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है। इल ए आ, आ के ऊपर इन्होंने अक्षर तो डाला है यहाँ पे इस व्यूअर ने, लेकिन गलत जगह पे डाला है, तो आ के ऊपर आएगा, ना आ के आगे है ना आ के पीछे है। कोते, ये जो आप देख रहे हैं जो सेको फ्लेक्स जिसे कहते हैं, जो शापो उल्टी टोपी जो इन्होंने डाली है, ये ओ के ऊपर आएगी, ना आगे आएगी ना पीछे आएगी, और ई के ऊपर अक्षर मिसिंग है। इल आ कोते दु ली, अब यहाँ पे भी एक छोटी सी मिस्टेक है। इल ए आ कोते दु लु ली, तो यहाँ पे एक व्यूअर ने अच्छी ट्राई की है, आ कोते दु लु ली फिर भी गलत है। लुई इल ए आ कोते दे अन ली, वो इल ए आ कोते पास में है, दे अन ली एक बेड के पास में है, वो एक बेड के पास में है। तो सही जवाब इसका क्या है, इल ए आ कोते जू ली। एक व्यूअर ने मुझसे यूट्यूब पर रिक्वेस्ट की है कि आप वीडियोस बनाएं जिसमें दे जू दे या आ ओ, ओ जो ए यू एक्स प्लूरल वाला होता है, उनके बारे में फर्क डालने के लिए, ताकि समझ में आ जाए। अगर तो आपको पता है कि ली तो है मस्कुलिन, फेमिना नहीं है, दे ले ली नहीं कहा जाएगा। अगर किसी चीज के बाद फेमिना होता है, अगर है दे ला पोर्ट तो चलेगा, जैसे ही आपको दे ले दो बार लगाने की नौबत आ जाए तो उसको आप जू बना दे, कभी दे ले नहीं कहा जाता, जू होता है हमेशा। वैसे ही जब फ्रेंच में आ ला पिसीन चलता है, आ ले मैगजीन, आ ले मैगजीन नहीं चलेगा, जैसे ही आ के बाद ले लगाने की नौबत आ जाए तो वो ओ मैगजीन बन जाएगा। तो जैसे ही आप देखें आ या दे के पीछे अगर तो ला आ रहा है तो सही है, अगर तो पीछे वाला वर्ड मस्क्यूल है और ले की नौबत आ गई है तो उसको लगाना नहीं है, सीधा जू पे आ जाना है या ओ पे आ जाना है। आई होप मैंने थोड़े क्लियर समझाया है, बाकी मैंने वीडियोस बनाने का इसके ऊपर सोचा है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, तो अभी आप ये समझे, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद ये जो बच्चा है ये पानी के नीचे है और ये पानी के अंदर भी है, तो इसको दो ऑप्शंस है। एक व्यूअर ने लिखा है अम बेबे ऑन दसू दुलो, मतलब कहने का मतलब है कि बच्चा पानी के नीचे है, सेंटेंस में थोड़ी सी मिस्टेक है लेकिन कहा जा सकता है कि बच्चा पानी के नीचे है, इसमें गलती है, बेबे सही है। ऑन दसू दुलो, मैंने आपको बताया था सू के आगे पीछे कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब आएगा, यहाँ पे वर्ब नहीं है और लो के आगे भी कुछ नहीं लगेगा, तो अम्बेबे ए सू लो, अम्बेबे ए सू लो, बच्चा पानी के नीचे है। उसके बाद लॉफा ए दो लो, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आप लॉफो भी कह सकते हैं, लॉफो बच्चे को कहा जाता है, लु बेबे स्मॉल जो बेबी होता है उसको कहा जाता है, लेकिन सेंटेंस आपका गलत नहीं है। उसके बाद लु बेबे ए दान लो, जो बेबी है वो पानी में है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन व्यूअर्स एक छोटी सी मिस्टेक दोबारा से हुई है, वो जो अक्सो है उन्होंने ई के आगे डाले हैं, ये ई के ऊपर आएंगे, वैसे सेंटेंस बिल्कुल सही है। लु बेबे ए दान लो, ये सेंटेंस जिसने भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। लु बेबे ए दान दु लो, दौ लो लगेगा, दौ दो लो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपने दौ लगा दिया है तो दे की जरूरत नहीं है, लो बेबे ए दौ लो, तो ये सेंटेंस है, ये इसका करेक्शन है, लो बेबे ए दौ लो। जैसे कि आप देख सकते हैं लो का जो पहला वाला अक्षर है वो वॉयल है, तो एल अपोस्ट्रोफ एल और आधा एल लगेगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये आपने यहाँ पे लगा दिया है तो दे की जरूरत नहीं है, दौ लो चलेगा। अगर आप किसी से पानी मांग रहे हैं तो आप बोलते हैं दे लो सिल वू प्ले, या आप दे लगाए या आप दो लगाए, इस सेंटेंस में दो लगेगा दे नहीं लगेगा, दो दो चीजें नहीं लग सकती पानी के आगे। उसके बाद ये मैंने बिल्लियों की तस्वीर ली थी जो छतरी के नीचे खड़ी हैं और बारिश हो रही है, तो ले शा ए सू ले पाराप्लू, सेंटेंस इनका गलत नहीं है लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे एक बिल्ली नहीं, यहाँ पे दो बिल्लियां हैं, तो ले शा नहीं होगा, ले शा सो सू ले पाराप्लू। उसके बाद ले शा सो सू ला पाराप्लू नहीं होता, पाराप्लू नो फेमिना नहीं है, मस्कुला है, तो सू ले पाराप्लू, बाकी सारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। उसके बाद ले शा सो सू ला पाराप्लू, वही मिस्टेक की है इस व्यूअर ने भी,
उसके बाद ले शा ए सू दो पैराप्लुई, ले शा क्योंकि प्लूरल है तो ए नहीं लगेगा, सो लगेगा, सू ले पैराप्लुई, दे नहीं लगेगा क्योंकि पैराप्लुई एक इसके आगे एक आर्टिकल लगेगा ले या ला, दे नहीं लगेगा। जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा है लो है, दे लो, दे ओ नहीं है, लो है, तो वैसे यहाँ पे है ले है या ला है, लेकिन यहाँ पे पाराप्लुई है, मस्कुला है तो ले पाराप्लुई। तो इसका जो सही जवाब है वो है लेशा सो बिलियां है सुलु पाराप्लुई। अगर मैं सो हटा देती हूँ तो बनेगा लेशा बिलियां सुलु पाराप्लुई, छत के नीचे है, मिसिंग है कहीं ना कहीं। तो जो है हमारी लैंग्वेज में जो एंड में आता है, यहाँ पे सीधा ओब्जे जिसकी सुजे सॉरी सुजे की जिसकी बात हो रही है उसके बाद आता है लेशा सो सु ले पाराप्लुई। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। मेरी वीडियो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।